सोचा भी नहीं था कि रमजान के मुबारक महीने में मदीने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी इतनी सबसे बेहतरीन दुनिया के शहर में आके मैं कभी किसी को दिन की बातें करूंगी। तो इस चीज से ना मैं हमेशा जब अब लोगों से मिलती हूँ और स्पेशली जाहिर सी बातें दीनी लोगों से ज्यादा मुलाकात होती हूँ, तो यू नो एक चीज अल्लाह ने एटलीस्ट मेरे जहन में यू नो जो चीज डाली है वो ये है कि अल्लाह कभी भी किसी से भी काम ले सकता है, किसी से भी। और हम कोई नहीं होते किसी के लिए किसी भी तरीके का गुमान रखने वाले, क्योंकि यू नो मैंने एक चीज देखी है, हम शोहरत से पैसे से जो भी यू नो हमारी जो फील्ड है, जो फील्ड से हमारी तो है नहीं, होना भी नहीं चाहिए अस्तगफिरुल्लाह, बट जहां से मैं आई हूँ तो वहां पे इतना जो कुछ मिलता है वो देखने के बाद यू नो एक चीज रियलाइज होती है कि और डर भी लगता है ना, क्योंकि जो कहते हैं ना माल का तकब्बुर एक तरफ लेकिन दीन का तकब्बुर उससे भी खतरनाक है। तो जब भी यू नो जब ये चीज होती है तो अंदर ना कभी कभी मेरे अंदर एक डर बैठ जाता है, और मैं अल्लाह से हर वक्त मैं जब भी बात करती हूँ, चाहे मैं मेरा इंस्टाग्राम पे बात करूँ या मैं लोगों से मिलूं, मैं अंदर मेरे अंदर एक ही चीज होती है, मैं अल्लाह से पहले कि मैंने कहा मैं इंसान हूँ, मेरे में भी नफ्स है, बेशक यू नो मैंने तौबा की है, मैं अल्लाह से हर वक्त माफी मांगती हूँ और मैं शैतान से बचने की हर वो तरीके करती हूँ जो मैं हदीसों से सुनी हूँ और जो मैं सहाबाओं से यू नो जो भी हमारी हिस्ट्री है जो मैं सुनी, मैं कोशिश करती हूँ मैं अपने अंदर लाऊं, क्योंकि नफ्स कभी भी आपको तकब्बुर वाली जगह पे लेके जा सकता और आपको नहीं पता, और मैं ये समझ लूं कि मैं कुछ हूँ या मैं कुछ कर सकती हूँ। तो मैं अल्लाह से हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह करने वाले तो आप ही हो, हदायत आप ही दे सकते हो, हम जरिया है, जरिया आप किसी को भी बना सकते हो, क्योंकि अल्लाह कहता है ना कि गैप से तो काम मैं करूंगा लेकिन अजबाब तो हमें इख्तियार करने पड़ेंगे। तो शायद हम सब एक दूसरे के लिए वो अजबाब है। मैं कभी कभी अकेले बैठती हूँ, बात नहीं होती, जब सामने मेरे लोग होते मैं सोचती हूँ ये कैसे है ना, मतलब इन्हें लग रहा है कि ये मेरे से कुछ सीखने आए हैं, इन्हें यही नहीं पता कि मैं इनसे कुछ सीखने आई हूँ, और ये मुझे कभी बोलने का मौका भी नहीं मिला। आई थिंक आज ये बात मुझे करने का भी मौका मिला, बिकॉज मैं जब भी लोगों को देखती हूँ ना मेरे सामने, सच कहूं तो मुझे जलन होती है। मुझे लगता है शिट, सिर्फ 1.5 साल हुए मुझे, और माशाल्लाह से आप लोग कितने सालों से अल्लाह के हुक्मों को फॉलो करते हो, अल्लाह के इतने करीब हो, इतनी सुन्नतों को फॉलो करते हो, और यू नो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी में कितना वक्त खो दिया यू नो। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं अभी 35 की हूँ, मुझे नहीं पता आगे मेरे पास उतनी जिंदगी है या नहीं है, तो अल्लाह से हमेशा एक दुआ करती हूँ कि अल्लाह ज्यादा काम ले ले मुझसे ज्यादा काम ले ले, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे दीन का काम ले।